हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये हो रहा है दोपहर का टाइम, सुबह का टाइम नहीं है, ये है दोपहर का टाइम। और मेरा सुबह का सारा काम हो गया और ठंडा, मतलब फर्स्ट टाइम। और मैं सबसे पहले बोल दूँ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। भगवान करे आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो और आपका लाइफ एकदम, मतलब साल आपका बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो सुबह का सारा काम मैंने कर लिया है और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ। अचानक से जनवरी से ठंडा, मतलब आज है आपको फर्स्ट जनवरी नहीं है, ये मत सोचिए ये फर्स्ट जनवरी का ब्लॉग है, फर्स्ट जनवरी नहीं है, आज है तीन तारीख ही है ना, मुझे तो तारीख भी नहीं पता ठीक से, तीन ही है शायद, आज तीन है कि चार है, तीन है ठीक है। तो हाँ, कन्फर्म तीन है। और नया साल हम लोग कुछ सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड तारापीठ गए थे तो आए हैं, वो रात को 3 बजे घर आए हैं कल। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, आप लोग को मैं क्या बाहर दिखाऊँ, बहुत ठंड है। और हल्का सा अब धूप जैसा मेरे फेस में आप लोग को दिख रहा होगा कि हल्का सा धूप हो रहा है, नाम का मतलब ये धूप होना, बोलना ना बोलना बात बराबर है, ठीक है। तो पूजा पाठ मेरा हो गया है, मैं बनाऊँगी आज लंच में कुछ अलग बनाने वाली हूँ, अलग मतलब आज है ट्यूसडे तो मैं बनाऊंगी खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को ये खिचड़ी पसंद है जो मैंने आज तक अपने हाथों से नहीं बनाया है, मैं हमेशा सिंपल खिचड़ी बनाती हूँ, सिंपल खिचड़ी पसंद करती हूँ। और मतलब पूरा मसाला वाला खिचड़ी नहीं बनता, बंगाली खिचड़ी जो होता है, तो प्रॉपर बंगाली तो नहीं होगा बट सम मतलब थोड़ा वैसा ही होगा। तो मैं उसमें दूंगी फूलगोभी, बैगन वगैरह दूंगी, मसाला वसाला दूंगी। तो फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी और हस्बैंड का रिएक्शन चेक करूंगी और आप लोगों को भी वो रिएक्शन दिखाऊंगी, पता नहीं वो खिचड़ी खा के कैसा होगा। आज सोच रही हूँ एक खिचड़ी के लिए इतना बोल रही है, मैं वो खिचड़ी कभी नहीं बनाई हूँ, मेरी सास एकदम बहुत 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 टेस्टी बनाती है, मतलब बहुत टेस्टी उनके हाथ का। तो वो बंगाली खिचड़ी भी एकदम मतलब एकदम प्रॉपर बहुत यम्मी बनता है और ये जो सिंपल में बनाती है वो भी बहुत टेस्टी बनता है, उनका खिचड़ी बहुत अच्छा होता है। तो बस पूछ रही हूँ उनसे कॉल करके कि कैसे बनेगा, वो मेरे को पूरा अच्छे से गाइड कर दिए कैसे बनाना है। तो मैं नहा ली, पूजा पाठ हो गया है, अभी पूरा पगली जैसी लग रही हूँ, चोटी नहीं की हूँ। और ये मेरी बेटी अब बाबा सो इसको भी मतलब आज नहीं नहलाऊंगी, बहुत ठंड है इसको नहीं नहलाऊंगी, मुझे तो नहाना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है इसीलिए। और आज मैंने स्वेटर पहना जो तो मैं पहनती नहीं हूँ, कभी भी आप लोग मुझे नहीं देखेंगे, मतलब पूरा ये ठंड में मैं फर्स्ट आज स्वेटर डाली हूँ अपने शरीर पर। हाँ बेटा आलू चिप्स, हाँ एक दिन घूमने के निकली थी तो मैं अपना जैकेट पहन के गई थी, तो मेरी बेटी को चाहिए आलू चिप्स तो उसको निकाल कर मैं देती हूँ आलू चिप्स। और बहुत टाइम हो गया, फटाफट से हाथ लगाती हूँ किचन में खाना बना लूँ। खाना क्या बनाऊँगी मैं, वो तो बोल ही दी आप लोग को, खिचड़ी बनाऊँगी और खिचड़ी और क्या बोली, खिचड़ी। और हस्बैंड बोल रहे थे कि आलू का सन्ना, तो उनको आलू का सन्ना कर दूँ, ये वाला एक मिनट, उसको चाहिए चिप्स, चिप्स खाती है मेरी बेटी तो बहुत देर से मांगी, तो मैं इसके लिए छोटा वाला पैकेट रखती हूँ जो तो ये अब मार्केट में अब मिल नहीं रहा है, जाओ अब ये मार्केट में मिल नहीं रहा है, मिलना बंद है बहुत। तो बहुत मुश्किल से भी ये 5 का पैकेट मिलता है और 10 का छोटे बच्चे के लिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि वो छोटी है उसको अगर मैं 10 का पैकेट देती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और पहला साल का मेरा 2023 का ये फर्स्ट ब्लॉग जाएगा, मतलब नया साल में तो मैं कुछ की नहीं, तो मैं कुछ ब्लॉग भी नहीं बनाई, तो 2023 में मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग जाएगा और फर्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को खिचड़ी खाते हुए दिखूंगी मैं। तो बनाई थी चिकन बनाई थी मेरे हस्बैंड 1 तारीख को ही, वो दोपहर नहीं बोलूँगी शाम में 5 बजे तारापीठ चले गए थे, उनका मीटिंग था और कल रात को आए हैं 3 बजे। तो बस अभी बनाती हूँ खिचड़ी, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बनाती हूँ, ठीक है, कि ये खिचड़ी कैसा है। और सबको आता होगा मुझे लगता है, मोस्टली बंगाली लोग को तो आता ही आता होगा, उन लोगों का ही ये वाला खिचड़ी मसाला खिचड़ी है, बट मेरे लिए मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो देखते हैं मेरे हस्बैंड को कैसा लगता है।
यहाँ पे चावल दे दिया मैंने, और एक ये गिलास मेरा छोटा है, सो गिलास भर कर चावल और गिलास भर कर मतलब सेम अमाउंट में दाल चावल डाली हूँ, क्योंकि जितना दाल ज़्यादा होता है उतना टेस्ट होता है ऐसा मुझे बताया गया है, तो मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। और कुछ और अच्छे से इसको वॉश कर लूँगी, और मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मेरा तबीयत अभी और ज़्यादा ख़राब हो गया है, आप लोग को जैसे आवाज़ से समझ में आ रहा होगा। तो इसे पानी था तो थोड़ा पानी मैंने निकाल दिया। इसमें मैं हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, उसके बाद आपको धनिया पाउडर और सरसों तेल और देके मिक्स कर दूंगी। और मैं एक चीज़ भूल रही थी, बनाती नहीं हूँ तो भूल रही थी, देखिए जैसे आप लोग कि मैं मिक्स कर रही हूँ, मुझे अचानक से याद आया, इसमें तो अदरक पड़ता है कद्दूकस करके, तो अदरक लेकर आई और अच्छे से अदरक डाली। अगर अदरक भूल गई होती तो ये खिचड़ी का टेस्ट बिगड़ गया होता, तो मुझे अचानक से याद आ गया कि नहीं अदरक पड़ता, तो मैंने बहुत सारा अदरक इसमें अच्छे से दिया कस करके। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा कढ़ाई में डाली हुई थी एकदम गर्म होने के लिए। मैं ना दोनों तरफ एक साथ काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सब्जी उब्जी काट के तब चढ़ाऊँगी। एक तरफ मैंने डाल दिया है अपना चावल जो मैंने मिक्स करके रखा था, उसको मैं फ्राई करूँगी, और फटाफट से रफली चॉप करना पड़ता है सब्जी, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से चॉप करना पड़ता है, तो रफली चॉप करना, तो मैं सोची मैं फटाफट कर लूँगी। और एक तरफ मैंने बहुत सारा पानी खिचड़ी में जो लगेगा उसको एक साइड चढ़ा दी, तो इससे क्या हुआ कि जिस दिन मैंने खिचड़ी बनाया ना तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, साथ साथ होता गया सब कुछ। और ये देखिए मेरा फ्राई हो गया, इसको अब मैं डाल दूँगी पानी में जो मैंने एक साइड गर्म होने के लिए चढ़ाया हुआ है पानी। तो ये पानी मेरा गर्म होने के लिए चढ़ा हुआ है, और ये मैंने काट लिया है सब्जी, बैंगन, गोभी और गाजर, मटर, मटर में दूंगी मिर्ची दूंगी, बड़ी नहीं खा पाएगी इसलिए झाल कम दूंगी, और टमाटर और थोड़ा तो आलू मेरा डाली ये थी। खिचड़ी रेडी है, मैंने बना लिया है, तो पता नहीं कैसा बना है। यह भुजिया फ्राई हो रहा है, आलू का भुजिया। तो आलू का भुजिया, खिचड़ी, घी और पापड़, ये है हम लोगों का आज का खाना। तो खिचड़ी भी रेडी है, तो एकदम गरम गरम आप देख सकते हैं, मतलब पूरा धुआं है। तो मेरे हस्बैंड को मैं खाना दे दूँ, क्योंकि अचानक से आप वो बोल रहे हैं कि उनको शायद कहीं ऑफिस के लिए निकलना ना पड़ जाए, तो पूरा मतलब भुजिया का दम हो रहा है। तो उन अब मैं निकालूंगी खाना और देखते हैं इनको कैसा लगता है। बनाई बहुत शिद्दत के साथ, अच्छे से बनाई हूँ, बेटी को भी दूंगी खाने के लिए। तो बेटी मेरी भुजिया वुजिया कुछ नहीं खाती, वो सिर्फ खिचड़ी और घी डाल के उसको रख दूंगी। तो सबसे पहले मैं अपना चोटी कर लूँ, तब आराम से कंफर्टेबल होकर खाऊंगी। मैं ऑयलिंग करना चाह रही हूँ, देखती हूँ, अभी चोटी नहीं करूँगी, ऑयलिंग करूँगी, तेल लगाना है मुझे, पूरा तेल लगाना है। और ना सुंदर सा हल्का वाला धूप आ गया, जैसे कि आप लोग तो देख रहे हैं मेरे फेस पे आ रहा है, तो सुंदर सा हल्का वाला धूप आ गया है, एकदम अच्छा लग रहा है। तो चलिए निकालती हूँ खाना, क्योंकि ये चले जाएंगे तो इतना मैं मेहनत से बनाई हूँ, कम से कम इनको अच्छे से खिला दूँ, तो ऐसे लगेगा कि सारा कुछ ही वेस्ट है। खाना खा के उसके बाद मैं तेल लगाऊंगी। तेल लगाने के बाद वो बाथरूम में ना कुछ कपड़ा भी है, क्योंकि धूप नहीं हो रहा था तो मैं धो ही नहीं थी, पता कि उसके साथ क्या करूँगी अभी मुझे नहीं पता। तो चलिए पहले खाना खाते हैं। पापड़ मैंने भाज लिया, भाज के मैंने रख लिया है, और चलते हैं। तो ये हो गया मेरा खिचड़ी रेडी। तो हम लोगों ने खाने में क्या क्या लिया है, ये है आपको खिचड़ी, मैंने इसमें डाला है घी जो कि मेल्ट हो चुका है खिचड़ी, और बहुत सारे वेजिटेबल्स है जो मैं अपने में नहीं ली हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है, आलू का भुजिया, और ये है पापड़। बस अब हम लोग खाएंगे खाना, और मेरे हस्बैंड उधर बैठे हैं, मैं पूछती हूँ उनसे कैसा बनाया। हम लोगों ने
खाना खा लिया और खिचड़ी बहुत मतलब अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था, एकदम माँ की तरह बना था, माँ जैसे बनाती है। और मेरे हस्बैंड से मैं पूछती जो ना कि कैसा बना, और आप लोग को दिखाती पूछूंगी, फिर भी पूछूंगी, तो उनका आ गया एक मतलब ज़रूरी कॉल, और वो पूरा देखिए ब्लूटूथ सेट कर लिए हैं और घूम घूम के तब से डिस्कशन चल रहा है उन लोगों का। तो मैं आते हैं वो, तब तो मैं आप लोग से मिलवाती हूँ और पूछवाती हूँ, ठीक है, कि उनको कैसा लगा। वो तो मुझे को बार बार खा रहे, एक ही बात बोल रहे हैं टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है, एकदम माँ के जैसा बना है, बार बार बोले हैं, बट फिर भी मैं आप लोग को दिखवाऊंगी, ठीक है। और मैंने बहुत सारा वेजिटेबल यूज़ किया, बहुत सारा, और बहुत अच्छा बना था। मैं थोड़ा कम वेजिटेबल मतलब अपने प्लेट मिली थी, हस्बैंड को पूरा सी दी थी, उनको अच्छा लगता है, पर अभी नहीं खाई है प्रॉपर, वो मेरे साथ सिर्फ दो कौर खाई है, उसका खाना रख दी हूँ ढक के, कब खाएगी अभी, उसको शायद भूख नहीं, तो मैं कभी भी फोर्स करके उसको नहीं खिलाने का कोशिश करती हूँ। सो बाद में मिलती हूँ, तेल लगाऊंगी, अभी मैं फिलहाल ब्लैंकेट के अंदर और फुल रेस्ट, अभी मैं कुछ देर रेस्ट करूँगी, बाद में मिलती हूँ आपको, ठीक है। मैं लगाऊंगी तेल, मेरा बहुत मन कर रहा है तेल लगाने का बालों में, तेल लगा लेती हूँ। और ठंडा लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा गला में बैठ गया, मैं खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके उठी हूँ कि मेरा गला पूरा बंद लग रहा है, लग रहा है कि पूरा बंद हो गया है। और थोड़ा रूम का इस रूम का थोड़ा सा मतलब डेकोरेशन चेंज हुआ है क्या, मैं तो कोई खास डेकोरेशन बोलकर है नहीं, मतलब फिर भी थोड़ा चेंज हुआ है। बेड जो था, बेड इस साइड हो गया है, बेड इसी साइड था, मतलब कवर्ड, मैंने कवर्ड का साइज चेंज किया है, कवर्ड उस साइड था, कवर्ड इस साइड आ गया, जो भी है तो कभी दिखा दूंगी अच्छे से। फिलहाल अभी मैं तेल लगाऊँ तो ये ब्लॉग मेरा भी बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे बहुत मन कर रहा है कुछ गर्म पीने का, पूरा गला मेरा पकड़ लिया है, क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक रहते रहते ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता ना फिर पूरा तेल तेल जाता है। कल मैं शैम्पू करूंगी कि नहीं कर पाऊंगी मुझे नहीं पता, फिर ठंडा लगने लगता है मुझे पूरा। तेल लगाती हूँ, तेल लगाने के बाद मस्त सा बनाऊंगी चाय नहीं तो कॉफ़ी। मैं सोच रही हूँ मुझे टोस्ट खाने का मन कर रहा, तो मैं अभी फ़िलहाल चाय बनाऊंगी, उसके बाद में बनाऊंगी कॉफ़ी। तो बस आप लोग भी ऐसे ही बने रहिए, मैं अपने हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, आ गए हैं, उनका काम था। हस्बैंड गए थे बाहर तो लेकर आए हैं गर्मा गर्म मोमो, इतना ठंडा में गए थे बाहर और आकर ऐसे ब्लैंकेट में एकदम बैठ गए हैं, देख रहे हैं। तो सबसे पहले तुम खिचड़ी बनाए थे, कैसा लगा आपको? अच्छा बना था, एकदम माँ के जैसा। तो बस एकदम मोमो, चले खाइए, तो हम लोग खाएंगे बैठ के आराम से मोमो, सो गर्मा गर्म ये पूछे खाइएगा। तो बहुत सारा लेकर आ गए, प्रॉब्लम ये कोई भी चीज़ कम नहीं लाना चाहते, ज़्यादा लेके आ जाते हैं। सो ये है मिर्ची वाला ग्रीन चटनी और ये रेड चटनी और बहुत सारा मोमो, सो हम लोग अभी खाएंगे। ओके कैसा है? और इधर मैं मोमो खाई और सच में मोमो गरम गरम तबीयत ख़राब में अच्छा लग रहा था। और मुझे पूरा मैं बात कर रही थी आप लोग से, बट मुझे पूरा साइलेंट करना पड़ा, पड़ी इतना तेज़ मोबाइल देख रही थी कि बाद में मुझे दिक्कत हो जाता, तो मुझे पूरा साइलेंट कर देना पड़ा, मैं बहुत कुछ बात की थी। और ये है वो गया सूप, तो गर्मा गर्म मेरे हस्बैंड बोले सूप लेकर आइए, पीते हैं सूप। क्या बनाई है? कार्टून चल रहा है उसका बेटा, देखिए इसको आज मैं नहला दिया अच्छे से, क्योंकि ना पहले सोची नहीं नहलाऊंगी, फिर मुझे लगा कि नहीं नहला देती हूँ, और ये पूरा हर वक्त ब्लैंकेट दोनों ही खुला रहता है, क्योंकि हम लोग अभी ठंडा इतना ज़्यादा है कि हम लोग हर कोई स्वेटर में है, देख सकते हैं मालदा का ठंडा अभी पड़ा है, तो हम लोग अभी स्वेटर में है। और मेरे हस्बैंड अपना सूप इंजॉय कर रहे हैं, उनको सूप बहुत पसंद है, सूप मुझे भी पसंद है, नहीं गंदी बात ऐसे नहीं करते बेटा, गंदी बात। तो बस अब इस ब्लॉग में एंड कर रही हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, बोलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।